श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पांच पारिजात के पत्ते और पांच बेल पत्र का महाकारगर उपाय गुरु जी का बताया हुआ बता रही हूँ, बहुत ही कारगर है। जिसके भी कमर में, घुटने में कहीं भी दर्द हो रहा है, किसी का गुर्जिया खसक गया हो, तो इस उपाय को करें, उससे अवश्य लाभ मिलेगा। ये देखिए, पांच पारिजात के पत्ते लीजिए और भोले बाबा को पातालेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। कौन से महादेव का नाम लेकर के? पातालेश्वर महादेव, पातालेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। जय पातालेश्वर महादेव, इस तरीके से बोलते हुए चढ़ाइए। और पांच बेल पत्र, पांच बार बेल पत्र पातालेश्वर महादेव के ही नाम से चढ़ाना है। इस तरीके से चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए मन में, और बेल पत्र अर्पित कर दीजिए। और ये घर श्रृंगार का फूल, चाहे आपको सूखा हो, सूखा ही फूल क्यों ना हो, घर श्रृंगार का चढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिले तो फिर कोई भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम नहीं, आजकल फूल तो हर श्रृंगार का मिलता नहीं है, तो मैं गुलाब को चढ़ा रही हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरीके से बोलते चढ़ाइए। थोड़ी देर चढ़ा रहने दीजिए, फिर आप भोले बाबा से प्रेयर करिए कि बाबा, मेरे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, भोले बाबा ठीक कर दीजिए, और मुझे ये बेल पत्र औषधि के रूप में दे दीजिए। इस तरीके से मांग लीजिए और बेल पत्र और ये पत्ते ले लीजिए। और फिर एक एक पत्ता है, पहले आप बेल पत्र का एक पत्ता रोज़ खाएंगे, रोज़ सुबह खाली पेट खाना है, फिर हरसिंगार की एक पत्ती रोज़ खाना है, फिर लास्ट में जो पुष्प चढ़ाया है उस पुष्प को खाना है। फिर आप देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, इस तरीके से आप लोग करिए और इस उपाय करके आप लाभ लीजिए, पक्का फायदा होगा। जो लोग बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, चलने लगते हैं, वो धीरे धीरे उनको फायदा प्रारंभ होता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसी महादेव जी की कृपा है। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, कृपा करो।